नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुबह सुबह बिहार की पांच बड़ी मुख्य समाचार। आज 7 जुलाई 2019 है, लाया हूँ आपके लिए बिहार की पांच बड़ी खबरें। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सभी मोदी चोर क्यों हैं कहने के मामले में राहुल गांधी को शनिवार को जमानत मिल गई है। आपको बता दें, बिहार के लोकसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने सभी मोदी चोर क्यों हैं बोलने के मामले में शनिवार को पटना के अदालत में पेश हुए थे। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, जिस वजह से कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के फाइन भरने पर जमानत दी गई है। यह मानहानि केस बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना कोर्ट में केस दर्ज कराया था। बात करें अगली खबर की तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा बजट निराशाजनक है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा तो छोड़िए, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। बिहार के लोगों को उम्मीद था कि बजट में कुछ खास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात करें अगली खबर की तो 71,000 स्कूलों में 1,00,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए तारीख तय कर दी गई है। 26 अगस्त से 25 दिसंबर तक लिए जाएंगे आवेदन पत्र और 9 से 12 दिसंबर के बीच में बांटी जाएगी नियुक्ति पत्र। 50% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होगी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात करें अगली खबर की तो आज नौगछिया और नारायणपुर स्टेशन के बीच में 6 घंटे के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा, क्योंकि नौगछिया और नारायणपुर ओवर ब्रिज के गार्डर चढ़ाने का काम किया जाएगा, जिस वजह से नौगछिया नारायणपुर और पसराहा रेलवे स्टेशन के बीच में कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। लगभग 6 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है। बात करें अगली खबर की तो बिहार में शराबबंदी के बाद अब राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। सभी स्कूल में, पुलिस स्टेशनों में और सरकारी कार्यालयों में तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। आपको बता दें, सरकारी सेवक अपने कार्यस्थल पर खैनी, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट का सेवन नहीं कर सकेंगे। अब किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री नहीं हो सकेगी।